सर स्टूडेंट्स अनिल सर Yes, all of you. Good morning, students. Good morning to all of you. Good morning. Yes. Good, Praveen. Good. चलिए रेडी हैं सब. Am I audible, बेटा? करें स्टार्ट जल्दी से एक अच्छी सी क्लास. और कुछ पुराने बच्चों के कुछ डाउट्स हैं जो हमें क्लास में डिस्कस करने हैं. विद इन फ्यू मिनट्स वो भी करते हैं बेटा, राइट? ठीक है. तो चलिए आज की क्लास में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा कुछ. चेक इट आउट. क्या दिख रहा है बेटा आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है अगेन क्वेश्चन विद टेबुलर प्रेजेंटेशन. हो सकता है आज की हमारी इस टॉपिक की लास्ट क्लास हो. द रीजन देर आर थ्री डिफरेंट टॉपिक्स बेटा. तीन डिफरेंट टॉपिक है इस चैप्टर में. ठीक है, तो आज वापिस से एक लॉन्ग क्वेश्चन करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बेटा. रेडी है सब बेटा? जोश के साथ, राइट? यू शुड बी इन फुल ऑफ एंथुजियाज्म. चलिए एक क्वेश्चन जिसमें हमें क्या बनाना है. अगेन प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन. आइए चेक करते हैं कि लाइव क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है. नंबर वन पॉइंट देखिए, हमने बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस स्टार्टेड, राइट बच्चों? हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद रुपीस. अमाउंट आज मैं कम रखूंगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है कई बार लैक्स में. बिजनेस स्टार्टेड विद 60,000 रुपीस. ठीक है, आउट ऑफ विच 25% अमाउंट बैंक. 25% अमाउंट बैंक, राइट? सेकेंड पॉइंट, सोचते जाइए आप साथ साथ कि इनका इंपैक्ट कहां कहां आएगा. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वेस्ट टाइम इन दैट. माइंड काउंट करते जाओ फिंगर्स पे कितने अकाउंट्स ओपन होंगे, राइट? गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 20,000 इंक्लूडिंग 1/5 फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, इंक्लूडिंग 1/5 फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, राइट बच्चों? ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट देखिए, सोल्ड गुड्स, क्योंकि अभी भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% टू गणेश एंड रिसीव्ड 25% अमाउंट इमीडिएटली एंड रिसीव्ड 25% अमाउंट इमीडिएटली, राइट बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, बॉट अ न्यू मोटरसाइकिल न्यू बाइक कह दीजिए फॉर रुपीज. छोटी बाइक खरीदी है, मे बी बैटरी वाली बाइक थी. ये बाइक थी कितने की? सपोज 15,000 रुपीज की. बट आगे मैं कुछ और लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए. फॉर पर्सनल यूज, राइट बच्चों? लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इसके अंदर हम लेते हैं कुछ अलग सा डिफरेंट पॉइंट. चलिए, गणेश डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट एंड वी कुड गेट ओनली 40 paisa in a rupee, only 40 paisa in a rupee out of total estate, right beta? जल्दी से मैं आप सबको फैसिलिटी देता हूं, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ. चेक इट आउट, कितने असेट और कितने लाइबिलिटीज के कॉलम ओपन होंगे. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
यस, पहले असेट में बताइए बेटा, काउंट कीजिए, काउंट कीजिए बच्चों जल्दी से. यस, इट्स अ स्मॉल क्वेश्चन. हाउ मेनी बेटा? सर मतलब लाइन वाइज चलते ना सर. फोर. चलिए ठीक है बच्चे, ये भी बात सही है, लाइन वाइज चलते हैं. सबसे पहले वाले में कैश वर्ड होगा ही होगा, परफेक्ट एकदम. देन बैंक बैंक होगा, परफेक्ट एकदम करेक्ट बेटा. नेक्स्ट, ये आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. स्टॉक परचेज किया है, बिल्कुल करेक्ट बेटा. और बताइए, और बताइए. डेटर्स. यस, डेटर्स, डेटर्स. एक कॉलम एक बार, दो बार ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे, है ना? वो तो बेवकूफी होगी बेटा. एक कॉलम एक बार, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स. और बताइए बेटा, असेट में कोई और कॉलम ओपन होगा क्या? नो सर. बच्चो, नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट. केवल चार कॉलम क्रिएट होंगे. और लायबिलिटी साइड में बेटा बताइए, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में बेटा लग रहा है कहीं? नो कॉलम, नो कॉलम इन लायबिलिटी साइड. कोई टेंशन नहीं है, आइए जल्दी से चेक करते हैं. अब हमें प्रेजेंटेशन देना है. कभी भी आप अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उससे ऊपर आपको हेडिंग लिखना जरूरी है बेटा, नहीं तो सीबीएसई का करिकुलम है, मार्क्स डिलीट हो जाते हैं. राइट बेटा? तो आइए, हमने फॉर्मेट बनाया, ऊपर हेडिंग भी लिखा, क्योंकि बच्चों की आदत है. आप याद कीजिए बेटा, ऑब्जर्व कीजिए, आप भी नहीं लिखते कई बार. कई बार आप में से बहुत से बच्चे, क्यों? नया नया सब्जेक्ट है सर, अभी तक इतना फैमिलियर ही नहीं हुए, रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता. तो बेटा ये रूल अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि अगर आपने हेडिंग नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कट सकते हैं. हाफ मार्क्स बोले तो, अगर सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधा नंबर या मे बी एक नंबर एग्जामिनर काट सकता है. तो क्यों हम अपना लॉस कराएं? राइट, चलिए. पहला पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर का होता है, वी नो वेरी वेल. राइट बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं. सेकेंड कॉलम हमारा मेन असेट का बन जाता है, ठीक है, और असेट में मैक्सिमम सब कुछ डिस्कशन है. लायबिलिटीज में देयर इज नो कॉलम, बहुत ही अच्छी बात है इस क्वेश्चन के अंदर. चलिए कोई टेंशन नहीं है, और जल्दी से प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं बेटा. चलिए अब हम हेडिंग इसके अंदर नहीं कर रहे, सीधा हम लिख रहे सीरियल नंबर. राइट बच्चों? देन असेट्स, देखिए ऐसा ही काम आपको भी करना होता है. राइट, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब मैं आपको पूरी बुक एक बहुत अच्छी टाइप फॉर्म में आज या कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, और हम सब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑनेस्टी से एक एक क्वेश्चन हम रिटर्न में करेंगे. मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कल की क्लास में 100%. मेरे पास सब कंटेंट रेडी है बेटा, फुल्ली क्लीन. आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि स्कैन किया हुआ, स्कैन किया हुआ हालांकि वो ज्यादा अच्छा था जो मैंने आपको भेजा था. राइट, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आ रही है कि कहीं ना कहीं इंटरनल बच्चों के फीलिंग नहीं आ रही है कि हम कुछ घर पे प्रैक्टिस करें. सब बच्चों की, कईयों की तो आ रही है बेटा फीलिंग, तो वो फीलिंग लाइए ना बेटा. अपने माइंड को कनेक्ट रखिए सब्जेक्ट से, इजी लगने लगेगा बाद में, मजा आएगा बेटा. इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है. पहला वर्ड कैश, देन सेकंड कॉलम था बैंक, देन थर्ड कॉलम स्टॉक, एंड फोर्थ कॉलम डेटर्स. यही तो हो रहा है हर एक क्वेश्चन में, आप चेक करो. अगर कोई पॉइंट हार्ड है वो आप पूछ सकते हैं, अगर पॉइंट इजी है तो क्या टेंशन बेटा. चलिए जल्दी से पॉइंट नंबर वन, बिजनेस स्टार्ट किया था हमने, चेक कीजिए, 60,000 रुपीज के साथ, जिसमें से 25% अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. कैपिटल 60 रहेगा, कंफर्म है कैपिटल 60? ये लीजिए, कैपिटल को प्लस किया 60,000 से. अब इसका 25% अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये लीजिए. तो इट मींस हमारी पॉकेट में कैश कितना रहा, बिजनेस के कैश काउंटर में कैश का बैलेंस कितना रहा? 45,000. यस बेटा, यस, गुड गुड गुड. और बाकी सब जगह इंपैक्ट आया, 000. आप जीरो भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो डैश डैश भी कर सकते हैं. आइए जल्दी से पॉइंट नंबर सेकंड पे आते हैं बेटा. हमने सेकंड पॉइंट में गुड्स परचेज किया 20,000 रुपीज का, इंक्लूडिंग 1/5 फॉर रेजिडेंशियल पर्पस. तो एक बात बताइए, सबसे पहले कैश देखिए, कैश कितना कैश बिजनेस से जा रहा है बच्चों? हाउ मच कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस? यस टेल मी बच्चों, ऑल ऑफ यू. 20,000.
एंटायर 20,000 इज गोइंग आउट सर, 20,000 जा रहा है बिजनेस से. ठीक है, ओके ओके, रिलैक्स बेटा. बिजनेस करना है तो गुड्स खरीदना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा. ये लीजिए कैश 20,000 से माइनस किया सर. सर लेकिन रुकिए सर, बिजनेस में एंटायर स्टॉक नहीं आ रहा, कुछ स्टॉक घर पे जा रहा है. अब हो सकता है आप जिस बिजनेस में थे उस गुड्स की रिक्वायरमेंट आपके घर में भी तो होगी, फैमिली मेंबर्स को. सिंपल सी बात. तो इसका 1/5 पोर्शन आप अपने घर ले गए, विच इज नोन एज अकाउंटिंग टर्म ड्रॉइंग. ड्रॉइंग ड्रॉइंग ड्रॉइंग्स सर, ड्रॉइंग से सर 1/5 उसे कैपिटल में से माइनस कर दीजिए. और बाकी का स्टॉक बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस का स्टॉक प्लस कर दीजिए बच्चों. ठीक है, बिजनेस का स्टॉक क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. और बाकी सब जगह इंपैक्ट डैश डैश डैश. चेक इट आउट बेटा, हाउ इजी इट इज. क्यों हार्ड बनाते हैं, क्यों सोचते कि हार्ड है, इट इज इजी. बस क्या होता है कि कई बार ट्रांजेक्शन अगर 8 to 9 आ जाते हैं तो बच्चा घबरा जाता है. घबराने की क्या बात है, इसी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर दो. एक आपका एक रजिस्टर का बड़ा पेज, अगर विथ अच्छी है, साइज अच्छा है, साइज में नंबर ऑफ पेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, साइज मीन्स जो उसका विथ है, हॉरिजॉन्टल और सीधा, ठीक है ना, वर्टिकल, अगर स्पेस अच्छा है, एक पेज तो लगना ही नहीं है बेटा. ठीक है, और जल्दी से शुरू करते हैं विद न्यू इक्वेशन. अब कैश का बैलेंस कितना बचा है बच्चों, बताइए, हाउ मच कैश वी हैव. 25,000. यस, बैंक बैलेंस 15,000, स्टॉक 16,000. यस, वेरी गुड वेरी गुड. डेटर्स डैश, लायबिलिटीज में कुछ है नहीं डैश. और कैपिटल बेटा रिड्यूस हो गया 56,000. बिल्कुल, कैपिटल में चेंजेस आ गए, दैट्स इट. नेक्स्ट देखिए थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट, ये लीजिए बच्चों थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स जिसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, 10,000 रुपीज. अब ये हमें पता है, कस्टमर को नहीं पता होता बेटा. आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ये हमें पता है दैट दिस इज द कॉस्ट प्राइस, राइट. इसे आपने 25% प्रॉफिट पर गणेश को सेल किया, लेकिन गणेश ने पेमेंट कितना किया, ओनली 25%. यहां हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन. आराम से तसल्ली से क्वेश्चन करो. सबसे पहले स्टॉक माइनस करेंगे 10,000 रुपीज से. आइए चेक कीजिए, स्टॉक को माइनस किया बच्चों हमने 10,000 रुपीज से. अब इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 2,500 कैपिटल में एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल में एड हो जाता है. अब आपको केवल एक ही चीज सोचनी होती है इस टाइम, कि बिल कितने का बना. बिल बताइए बच्चों, बिल कितने का बना, बताइए बच्चों अमाउंट ऑफ. गलत 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 करण, गलत. 10,000 बेटा, 10,000 का गुड्स और 2,500 प्रॉफिट पर सेल किया, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था बिल कितने का बना. तो बिल तो बच्चों 12,500 का बना है, राइट. अब कस्टमर को तो ये पता है ना, अब कस्टमर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, भैया पेमेंट कर दो, गणेश जी पेमेंट कर दो 12,500. गणेश जी ने कहा मैं तो अभी 25% ही दे सकता हूं. हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो हमारे परमानेंट कस्टमर हो, बाकी बाद में दे देना. यानी कि 12,500 का 25% अमाउंट हमें इमीडिएटली मिल गया, और रिमेनिंग बाद में मिलेगा, कोई बात नहीं. तो जल्दी से चेक करते हैं 12,500 का 25%. और बच्चों ये आ रहा है 3125. हमने गणेश जी को कहा गणेश जी बाकी का पेमेंट कब दोगे, तो उन्होंने कहा बताओ बाकी का पेमेंट बचा कितना. हमने कहा देखो 12,500 का गुड्स है, बिल इतने का ही है, माइनस 3125 किया तो रिमेनिंग 9375 बनता है बच्चों, 9375. इसको हम क्या कर देंगे डेटर्स में, प्लस कर देंगे बच्चों 9375. लायबिलिटीज में नो इम्पैक्ट, बैंक में नो इम्पैक्ट. क्वेश्चन का ये पॉइंट खत्म हो गया. अब आप दोनों साइड का आंसर चेक कर लो. यानी कि कुल मिला के जो ये बिल बना है बच्चों, आपने इसके दो टुकड़े कर दिए. पहला पार्टीशन जो कैश मिल गया, दूसरा पार्टीशन जिससे डेटर्स क्रिएट हो गए. आंसर चेक कर लो, 100% दोनों साइड का आंसर इक्वल आएगा ही आएगा, 100% बेटा, राइट. तो चलिए जल्दी से फिर से एक ही कहानी, दैट इज न्यू इक्वेशन. और अब हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है 28125. ठीक है, बैंक बैलेंस एज इट इज 15,000. देन आपका स्टॉक
कितना का हो गया बेटा अब स्टॉक का बैलेंस बताइए? 6,000 का बैलेंस बचा है। यस बेटा वेरी गुड सर, 16 का था 10,000 का चला गया, ठीक है। और डेटर्स 9375 इज इक्वल टू डैश और कैपिटल वी आर हैप्पी क्योंकि अब कैपिटल में हमने क्या किया 58,500 क्योंकि कुछ प्रॉफिट हुआ हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, भले हमें कैश अभी नहीं मिला डजंट मैटर, प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड कर दो, दैट्स इट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा जल्दी से, पॉइंट नंबर फोर्थ के ऊपर जल्दी से चेक कीजिए। फोर्थ पॉइंट, बॉट अ न्यू मोटरसाइकिल, अरे बाप रे बेटा हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, हमने मोटरसाइकिल परचेज किया है और हमने इसका अकाउंट तो ओपन ही नहीं किया, बताइए सही है गलत है बेटा हम? ऑल ऑफ यू गलत, कितने बच्चों को लगता है बेटा हमने मिस्टेक की? जस्ट चेक इट आउट बेटा, यस आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या मोटरसाइकिल का अकाउंट ओपन होना चाहिए था? यस और नो के साथ बताइए, ओनली यस और नो। मोटरसाइकिल एसेट है? नहीं सर, नो सर, बिकॉज पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए हम बच्चों को कई बार मैं डायलॉग देता हूँ बेटा कि पर्सनल यूज के लिए तुम हेलीकॉप्टर भी खरीद लो बिजनेस से, मतलब बिजनेस का पैसा यूज कर रहे हो ना पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस होती है, भले बिजनेस का कैश जा रहा है डजंट मैटर, कैपिटल माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि 15,000 की आपने पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी खरीदी है बेटा, तो ठीक है कैश तो जा रहा है, ये बात तो कंफर्म है, ये लीजिए कैश को माइनस कर दीजिए, कैपिटल में से भी माइनस, कैपिटल माइनस, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट, कैश माइनस कैपिटल माइनस, बाकी सब जगह डैश डैश डैश, डन खत्म फिनिश, ठीक है बेटा। और फिर से एक ही कहानी हमें करनी है रिपीट, एंड दैट इज न्यू इक्वेशन, कर सकते हैं हम न्यू इक्वेशन, कोई बिग डील नहीं है, इसलिए छोटा क्वेश्चन लिया है बेटा मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस करनी और कुछ भी नहीं है। अब कैश का बैलेंस कितना बचा हमारे पास बताइए बेटा? यस बच्चों, 1,3,125 बैंक बैलेंस अभी भी 15,000, स्टॉक 6,000 बच्चों, देन 9,375, देन 0, देन कैपिटल का आंसर आ रहा है अब कितना बच्चों? 43,500 राइट अब आई थिंक एक बच्चे ने 45 बोला, अब अगर आपने 45 लिख दिया तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक किया है, फिर वो मिस्टेक आगे चलती रहेगी, और लास्ट में जब फाइनल इक्वेशन आता है ना तो बच्चा कहता है सर मेरा आंसर मैच ही नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे हमारी क्लास में पंकज है अभी चेक करे? यस पंकज, आई थिंक पंकज इज नॉट देयर, क्योंकि पंकज का यही डाउट आया कि सर टोटल मैच नहीं हो रहा, तो बेटा टोटल में आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, आप मुझसे ट्रांजेक्शन पूछ सकते हो टिपिकल से टिपिकल, लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा कहे सर टोटल इक्वल नहीं आ रहा, सॉरी बेटा आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, बिकॉज टोटल इक्वल चेक करना इट मींस मुझे कम से कम 15 मिनट्स देने पड़ सकते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि कहां आपने प्लस माइनस में मिस्टेक किए तो ये कैसे पता चलेगा कि टीचर को, राइट बेटा? तो आप डाउट्स पूछो चलेगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है इस चैप्टर में, कोशिश करो प्रैक्टिस करो टेंशन खत्म। आइए लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट देखिए, एक हादसा हो गया और हादसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा क्या है इस हादसे का नाम? सर गणेश, सर हमारा कस्टमर गणेश इंसॉल्वेंट हो गया सर, और हमें ज्यादा दुख हो रहा है उसके लिए, नहीं किसके लिए सर, हमारे पैसे डूब गए सर, हमारे पैसे डूब गए, और अब हमें उससे केवल और केवल कितना पैसा मिल रहा है बच्चों? 40 पैसा इन रुपी आउट ऑफ टोटल स्टेट या आउट ऑफ टोटल डेट्स भी आता है कई बार, मतलब जितना भी आप मांगते थे उसमें पैसा कैसा मिला है? 40 पैसा इन रुपी मींस अगर 1 रुपए मांगते हैं तो 40 पैसा, 10 रुपीज मांगते हैं तो 4 रुपीज, एग्जैक्टली ये उल्लू बनाने का तरीका है बच्चों को, और ऐसा बुक्स में दिया होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मत हो ना बेटा कंफ्यूज, दिस इज 100% 40%। तो अब आप अपने डेटर से जितना भी पैसा मांगते हैं, चेक इट आउट, ये रहा लास्ट कॉलम डेटर्स का, क्या कर देंगे इसे बेटा? माइनस। आज के बाद हमारी और गणेश की स्टोरी का दी एंड हो रहा है बच्चों, दी एंड, फाइनल एंडिंग आ रहा है, माइनस किया 9,375, लेकिन हमें इसका कितना परसेंट कैश मिल रहा है बताइए बेटा? कितना पैसा मिल रहा है, हाउ मच अमाउंट, या परसेंटेज में कहें तो कितना?
only 40%, sir, 40%, right? तो 9375 का 40% आ रहा है बच्चों, 3750 प्लस कर दिया कैश में, और जो रिमेनिंग अमाउंट 60% है उसे क्या कहते हैं बेटा अकाउंटिंग टर्म के अकॉर्डिंग, कोई बता सकता है बच्चा? यस बच्चों, बैड डेट्स, नहीं लॉस, तो बैड डेट्स इज द राइट आंसर, राइट बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए लॉस तो है बेटा, वो तो आपने आंसर बता दिया डायरेक्टली, दैट इज ओके, बट इसको हम नाम क्या कहेंगे? इसका नाम है बैड डेट्स, इसे हम कहते हैं बैड डेट्स। तो ये सब आपने कहां से सीखा? क्या आप लास्ट ईयर से सीख के आए थे, 9th 10th से? नहीं सर, ये तो हमने इसी साल सीखा है सर अकाउंटिंग टर्म्स में, कि अगर हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट वर्ड कहां से सीखा सर? 11th में ही सीखा सर। इंसॉल्वेंट मींस अ पर्सन हु इज नाउ नॉट कैपेबल टू पे ऑफ द डेट्स, डेट्स अपने लोन्स का अगर कोई पेमेंट नहीं कर सकता उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है? और जब हमारे पैसे डूब जाते हैं तो दैट अकाउंट वी हैव टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट, जो आगे चलकर आप जर्नल चैप्टर में ओपन भी करेंगे बेटा, उसे हम बैड डेट्स कह देते हैं। और बैड डेट्स इज अवर लॉस, किसमें से माइनस होगा? यस बच्चों, किसमें से माइनस होगा बताइए? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा बेटा। ये देखिए 5625 इज इक्वल टू, में बाकी जगह कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, चेक इट आउट, दोनों साइड का आंसर इक्वल, बात खत्म, ये लीजिए बेटा, डन। अब जल्दी से मैं आज की क्लास में कुछ कल वाले पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, एंड आई नीड योर सेल्फ, आई नीड योर कॉपरेशन, आई नीड योर हेल्प कि आप भी आंसर दें जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बेटा? और इसमें पहला पॉइंट अच्छे पॉइंट्स होंगे 100%, दिस इज माय गारंटी। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। एक इजी पॉइंट के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹20,000। बताइए बच्चों दो इंपैक्ट कहां कहां आएंगे? यस, कहां कहां इंपैक्ट आएंगे? कैपिटल एंड, अच्छा सबसे पहले सर हमारा कैपिटल माइनस होगा सर, देन हमारे पास जितना भी मशीन का जो बैलेंस उसमें 20,000 माइनस कर देंगे, बाकी सब जगह डैश, नो इंपैक्ट, तो इजी 100%। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट, यहां आपको पहले दिमाग लगाना है। मैं अनम्यूट की फैसिलिटी भी एक बार के लिए रिमूव कर रहा हूं फॉर अ मिनट टाइम, आपको केवल हैंड रेज करना है, कितने बच्चे इसका एग्जैक्ट आंसर सोच सकते हैं। देखिए बेटा पॉइंट बड़ा ध्यान से, गुड्स परचेज्ड ₹5,000 फुल स्टॉप, पेड फॉर कैरिज ₹600। थिंक ऑन इट बेटा, ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। हमने गुड्स परचेज किया 5,000 का, पेड फॉर कैरिज 600। आज की क्लास का हो सकता है हम कहें कि सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है बेटा। अब ये चैप्टर वैसे खत्म हो चुका है, इसमें बस दो टॉपिक हैं छोटे छोटे जो नेक्स्ट 2 डेज में मैं कंप्लीट करा दूंगा, बहुत धीरे धीरे, तसल्ली से हमने स्टडी कर लिया, लेकिन अब हमें स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट? ठीक है बेटा, चलिए बताइए ऑल ऑफ यू बेटा क्या इंपैक्ट होना चाहिए? यस बेटा, यस, थिंक ऑन इट, स्टॉक विल बी इंक्रीज बाय 5,000, ओके गुड गुड गुड, कैश माइनस 5,600, ओके, एंड कैपिटल माइनस 600। अब एक बात बताइए बच्चों, आप सब ध्यान से देखिए, हैंड डाउन कर लीजिए बेटा, दैट्स गुड बेटा, दैट्स गुड, वेरी गुड, और जिसने हैंड रेज नहीं किया उनके लिए भी वेरी गुड। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, देखिए बच्चों की तरह मत समझना, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। आप मार्केट गए, गुड्स परचेज किया, आपके पास स्टॉक आ गया, दैट्स गुड, लेकिन कई बार आपको इसके लिए भाड़ा, भाड़ा कैरिज मींस व्हाट, भाड़ा, भाड़े के पैसे भी तो देने पड़ेंगे बेटा, उड़के थोड़ी ना आ जाएगा गुड्स, उड़के थोड़ी ना आएगा, और यहाँ पर कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। आप कल को कहें सर वो खरीदते समय जो भी कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं आपने कहा था इसे ऐड कर लेना चाहिए, सॉरी बॉस यहाँ पर नहीं होगा बेटा ऐड,
क्योंकि यहाँ पर फिक्स असेट नहीं है, यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किए है, राइट बेटा? तो गुड्स परचेज करते समय अगर कोई एक्सपेंस होता है, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। सर एक मिनट, कैश तो कंफर्म 5600 जा रहा है, स्टॉक 5000 का है, जो ये कैरिज लगा है, ये भाड़ा, भाड़ा, ये भाड़ा आपका एक्सपेंस, राइट? राइट बेटा, और इसे कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, अब मैं तीन पॉइंट्स लिख रहा हूं बैक टू बैक, और इनको समझना है हमें, ये एक बार फाइनली आपके दिमाग में। यस जानवी, यस बेटा, यस बेटा, व्हाट्स योर डाउट, प्लीज टेल मी। कल वाले फोर क्वेश्चंस समझा, वही आ रहा हूं बेटा, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, बिकॉज अब टाइम कम बचा है डेफिनेटली, है ना? तो अब जल्दी से देखिए, वी हैव लेस टाइम विद अस, एंड जस्ट वेट फॉर अ सेकंड टाइम बेटा, जस्ट वेट, बिकॉज आई हैव टू टेक अटेंडेंस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? जस्ट वेट, और प्लीज बी रेगुलर बेटा, लास्ट फ्यू डेज लेफ्ट है ना, देन तो आपका एक छोटा सा समर ब्रेक हो जाएगा, आई थिंक होना नहीं चाहिए वैसे, बट होना करना पड़ेगा आई थिंक, बिकॉज बच्चे हमारे अभी आराम करना चाहते हैं, और भी है ना बेटा, ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स जो दिन भर हॉस्पिटल में वो किट पहनकर बैठे हैं, वो मैनेज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ, लेकिन हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में इतने एक्सक्यूजेस दे रहा है। आप जरा सोच के देखो, जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए कितना ट्रबल है बेटा। एक पॉजिटिव बात है ना, ये कुछ भी कहे कि हम कहीं ना कहीं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम रेडी रहते हैं एक्सक्यूजेस के लिए, रादर कि जो मिल रहा है। और कॉमर्स के बच्चों के लिए पता है क्या, एक मैनेजमेंट की बात आती है कि आप तो बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इन एनी कंडीशन। आई नो द टाइम इज नॉट गोइंग इन अ प्रॉपर मैनर, वी ऑल आर नॉट हैप्पी, ऑफ कोर्स फिजिकल क्लासेस का कोई वो मुकाबला ही नहीं है, बट अगर इस टाइम में हमने स्टडीज कर लिया, ऐसा नहीं कह रहा दिन भर, बट जितना भी टाइम हम दे पाए, दैट विल बी वंडरफुल बेटा, राइट? चलिए जल्दी से देखिए, तीन पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड। फर्स्ट पॉइंट, सैलरी पेड ₹6,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000। और थर्ड पॉइंट, ताकि आज के बाद कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन इनमें से कोई सा भी पॉइंट आ सकता है, ऐसा नहीं कि तीनों आएंगे बेटा, अभी मैंने तीनों केवल आपको कनेक्टिविटी, आपको बेस्ट नॉलेज के लिए करा रहा हूं बेटा मैं। ये सैलरी पेड ₹6,000, whereas सैलरी टू बी पेड 10,000, whereas सैलरी टू बी पेड 10,000 रुपीज। देखिए जी बच्चों, सीधी सी कहानी है, एक्सपेंसेस में भी दो पंगे होते हैं और इनकम में भी दो पंगे होते हैं। एक्सपेंसेस में दो पंगों का नाम क्या है, दो प्रॉब्लम्स का नाम, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो जो पे करना था लेकिन पे नहीं किया, राइट? फर्स्ट पॉइंट का आंसर देखिए, सैलरी पेड इक्वल्स टू 6,000, राइट? इंपैक्ट कहाँ कहाँ आएगा बताइए जल्दी से। यस बच्चों, कैपिटल माइनस, कैपिटल से माइनस। यस, वेरी गुड सर, कैश माइनस कैपिटल माइनस। लेकिन कैपिटल माइनस क्यों हुआ, अगर हम बच्चों से पूछें तो कुछ बच्चे आंसर दे ही नहीं पाते। द एक्चुअल आंसर इज सर, कैपिटल में से माइनस इसने किया बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं इसे हमें माइनस करना पड़ता है। एज पर विच कंसेप्ट, एज पर विच कंसेप्ट बताइए बेटा, बोलिए जल्दी से। यस, एज पर विच कंसेप्ट, कौन सा बेटा, वापस बोलना प्लीज, क्या बोला नाम आपने, मैंने सुना नहीं अच्छे से, और ये गलत था आई थिंक जो भी आपने बोला, अगर मैंने, यस रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, बिल्कुल गलत। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं प्लीज ऐसी मिस्टेक मत करना अगली बार। अक्रूवल ऑब्लिक मैचिंग कंसेप्ट कहता है, accrual oblique matching concept सारी कहानी क्लियर करता है कि आपको बिजनेस के अंदर जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, एक्चुअल रेवेन्यूज हैं, इट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट शुड बी शोन, तभी तो हम कैपिटल में से एक्चुअल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलिए, तो एक्चुअल एक्सपेंस था इसलिए माइनस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000, मतलब पे करनी थी लेकिन हमने पे नहीं की, तो क्या हुआ सर, ये एक्चुअल एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस होगा ही होगा सर। ये लीजिए, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, सबसे पहले कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा, फोर लायबिलिटी। बिल्कुल सही बेटा, सर कैपिटल में से तो माइनस इसलिए किया क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंस है सर इस साल का,
सर आज नहीं तो कल तो पैसे देंगे ही ना सर, लेकिन अगर अगले साल देंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि ये अगले साल का एक्सपेंस कंसीडर होगा, एक्सपेंस तो इसी साल का होगा। सर लेकिन कैश तो माइनस हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं पे किया अगले साल पे कर देना। अभी लायबिलिटीज में एक कॉलम क्रिएट होगा विच विल बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लिख सकते बिकॉज और भी कई चीजें आउटस्टैंडिंग हो सकती है। यहां पर प्लस का 4000 कर देंगे, आंसर इक्वल। चेक कर लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है ये पॉइंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जबकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज इजी। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, आपने कितना सैलरी पे किया बताइए बेटा, कैश माइनस 6000। सर लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है सर, एक्चुअल एक्सपेंस है 10000, एक्चुअल एक्सपेंस 10000 माइनस। सर लेकिन कैश तो 6000 थी, लायबिलिटी 4000 की इंक्रीज होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, लायबिलिटीज में एक कॉलम क्रिएट हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इसको हम प्लस कर देंगे 4000 से, दैट्स इट, खत्म, फिनिश। ये लो जी तीन पॉइंट हो गए। आइए तीन पॉइंट और लेते हैं जल्दी से, सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। फर्स्ट लिया सबसे पहले हमने इंश्योरेंस पेड, बेटा क्लास ओवर हो जाए जल्दी से, उससे पहले हमें क्लियर करना चाहिए स्पीडली। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2000 रुपीज, यस बच्चों बताइए डायरेक्ट क्या इंपैक्ट होगा इसका, क्या इंपैक्ट होगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये पर्सनल नहीं है ये बिजनेस का एक्सपेंस है। कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। एंड लायबिलिटीज में जीरो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं डायरेक्टली आपके सामने एक पॉइंट लिख रहा हूं, प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 500, प्रीपेड इंश्योरेंस 500 और कुछ नहीं लिखा मैंने। नाउ व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ प्रीपेड, एसेट में प्रीपेड का कॉलम बनेगा प्रीपेड। सर एक कैश, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, ये कंफर्म है बेटा, है ना, कैश माइनस हो जाएगा 500 से। सर लेकिन रुकिए सर, इसे यहां पर माइनस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, इट इज नॉट एक्चुअल एक्सपेंस, ये करंट ईयर का एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है सर। तो सर पैसा तो जा रहा है ना सर, अमाउंट तो पे किया है ना, तभी तो ये असेट बन गया असेट, और असेट में हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस और इसे 500 से प्लस कर देंगे। नाउ चेक इट आउट, आंसर इक्वल आ रहा है बेटा, कैश माइनस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस, खत्म। लेकिन एक्चुअल में जब आपको ये ट्रांजेक्शन दिखता है तो कुछ इस प्रकार दिखता है, रेंट पेड रुपीज 20,000, वेर एज टू बी पेड 15,000।